फंजाई के टॉपिक को हम पढ़े थे और फंजाई का हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था और फंजाई के बॉडी स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अभी हमने बात की थी कि फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ है, फंजाई के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं होते और वो अपनी फूड भी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। जब अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ताकि वो अपनी फूड उनसे ले सकें। मोस्टली फंजाई जो अपनी फूड गेट करते हैं वो दो तरीक़ों से करते हैं। एक तो ये कि वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दूसरा ये कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं और उससे अपनी फूड गेट करते हैं। तो ये हमने क्या देखा, दो तरीके हमने देख लिए कि हमने कहा फंजाई ऑब्टेन इट्स फूड बाय पहला के डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं और फिर उनसे अपनी फूड गेट करते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बेसिकली ये डेड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो उनको फंजाई फिर डीकम्पोज करते हैं अलॉन्ग विद बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन की हमने बात की है, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करें ना, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। और जब हम डीकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं और फिर उसके बाद उससे अपनी फूड गेट करते हैं, तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन का मॉडल है इसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या फिर हम इन शॉर्ट इसको सेप्रोबिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, सेप्रोबिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगी, ये वो टाइप है न्यूट्रिशन की जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं और फिर से उससे अपनी फूड जो है वो गेट करते हैं। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोजिशन वाला ये जो स्टेप है, ये किस तरह से किया जाता है, ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि फंजाई जो है, फंजाई की बॉडी के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो फंजाई क्या कर रहा है, इट इज़ सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कोई भी प्लांट हो सकता है या कोई भी एनिमल हो सकता है, तो उसकी बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस क्या है, बेसिकली हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो डाइजेशन के बाद वो जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ लिटिल सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा सिंपल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम इसे कह देते हैं। और ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलॉन्ग विद सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये बेसिकली फूड होती है फंजाई की। तो फंजाई ने क्या किया है, एक तरह से अपनी फूड को पहले प्रिपेयर किया और फिर उसको वो यहाँ से गेट कर लेता है। यानी सिंपली यहाँ पे ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या फिर सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होंगे इसके साथ, तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये एक्ट किस तरह से करता है, एक्ट ये इस तरह से करता है अपने होस्ट या सबस्ट्रेट के ऊपर, हमने वर्ड यूज़ किया है सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट वो ऑर्गेनिज्म है या हम इसे होस्ट भी कह सकते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर फंजाई जाके सबसे पहले अपने आप को अटैच करता है और उसके बाद उसको एंकर करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। एंकर करने का क्या मतलब है, एंकर का मतलब है कि वो उसके ऊपर अपने आप को इस तरह से जोड़ लेता है कि फंजाई के अंदर से एक स्ट्रक्चर जो है वो उसके होस्ट के अंदर तक धंस जाता है। ठीक है, वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं राइजोइड्स, यानी कि राइजोइड्स हेल्प करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर तक जाने में। और इससे फ़ायदा ये होता है ना सिर्फ तो ये कि ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, बल्कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये राइजोइड्स जो हैं ये हेल्प करते हैं। फंजाई को एज डीकम्पोजर्स हम देख रहे हैं, फंजाई और फंजाई के अलावा एक और ऑर्गेनिज्म जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने बात की थी बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के बारे में भी हमने यही कहा था कि बैक्टीरिया भी एक डीकम्पोजर है। तो फंजाई और बैक्टीरिया दोनों मिलके पूरे बायोस्फेयर में, यानी कि पूरी दुनिया में हर वो जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हर जितना भी लिविंग मटेरियल है इस पूरी दुनिया के ऊपर, उस सब को डीकम्पोज करने में जो मेजर किरदार है, मेजर क्या, तमाम के तमाम डीकम्पोजिशन वो कौन करता है, वो या तो फंजाई करते हैं या फिर बैक्टीरिया करते हैं।
और ना सिर्फ डीकम्पोजिशन का काम बल्कि ये जो डीकम्पोजिशन है इसके साथ साथ बहुत सारे नेचुरल साइकिल्स भी रन हो रहे होते हैं. नेचुरल साइकिल्स यानी कि हम जानते हैं कुछ साइकिल्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल है लेट्स से, या फिर हाइड्रोजन साइकिल है, या ऑक्सीजन साइकिल है, ठीक है. तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ये, या ये जो साइकिल है, इन साइकिल्स को रन करने के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है. इसमें कौन कौन से साइकिल्स का हमने कहा, हमने कहा कि कार्बन साइकिल हो सकता है, या नाइट्रोजन साइकिल हो सकता है, या फॉस्फोरस, इसके अलावा ऑक्सीजन साइकिल है, या हाइड्रोजन साइकिल है, ठीक है. ये साइकिल्स किस तरह से रन होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि हमने कहा कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यहाँ पे इस स्टेप में, ठीक है. सिंपलर सब्सटेंसेस में जब कन्वर्ट होता है तो कुछ तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कुछ हमने कहा था यहाँ पे कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक. तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो यही कंपाउंड्स होते हैं, और ये कंपाउंड्स क्या करते हैं कि वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है. और एटमॉस्फेयर से मज़ीद फिर या तो वो किसी प्लांट की बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे, या एनिमल की बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे अपनी किसी न किसी फॉर्म में. तो ये हमने देख लिया कि नेचुरल साइकिल्स किस तरह से रन होते हैं, ठीक है. फंजाई को हम प्रिंसिपल डीकम्पोजर्स ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल डीकम्पोजर्स ऑफ प्लांट्स. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर मेजर डीकम्पोजिशन जो है वो फंजाई ही कर रही होती है, ठीक है. और वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि फंजाई के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर हम जानते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है. तो प्लांट की जो सेल वॉल है इसको ब्रेक करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं फंजाई. वो किस तरह से ब्रेक करते हैं, हम जानते हैं सेल वॉल जो है वो किसी से मिलकर बनी है, वो सेल्यूलोस से मिलकर बनी होती है, या फिर लिग्निन से मिलकर बनी होती है, ठीक है. तो फंजाई जो है वो इजीली इन सेल्यूलोज और लिग्निन को तोड़ सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया भी डीकम्पोजर है, बट बैक्टीरिया के लिए सेल्यूलोज और लिग्निन को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता. ये हमने एज डीकम्पोजर देख लिया फंजाई को. कुछ और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फंजाई के अंदर पाए जाते हैं. यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा, एक तो हमने एब्जॉर्प्टिव देख लिया, और एक हमने सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लिया. कुछ और जो इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं, उनको भी वन बाय वन हम देख लेते हैं. एक तो ये कि इसके अंदर पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होती है, ठीक है. और समटाइम्स फंजाई जो है वो प्रीडेटर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं, प्रीडेटर्स, ठीक है. और इसके अलावा कुछ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म. तो वन बाय वन हम इनको भी देखते जाते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन को, ठीक है, यानी कि फंजाई एज पैरासाइट्स. पैरासिटिक फंजाई जो है ये, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कुछ इस किस्म का है कि ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती है फ्रॉम इट्स होस्ट, अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिप्स, ठीक है. इस फंजाई के ऊपर कुछ खास किस्म के हाइफल टिप्स प्रेजेंट होते हैं, हाइफल टिप्स, ठीक है. और वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं होस्टोरिया. इन टिप्स की मदद से ये अपने होस्ट के अंदर एंकर करते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट है वो उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, यानी कि अपने होस्ट के सेल के अंदर से, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है. अब ये जो पैरासाइट हैं इनके भी मज़ीद आगे से दो टाइप्स हैं फंजाई, या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकते हैं या फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हो सकते हैं. ये दोनों क्या टाइप्स होती हैं इसको भी हम देख लेते हैं. एक हमने कहा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, और दूसरे हमने कहा फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या होते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है ये वो पैरासाइट है जो कि अपने होस्ट के ऊपर रह सकता है, अगर हम इसको आर्टिफिशियली ग्रो कराएं तो ये ग्रो नहीं करेगा. यानी कि ये वो फंजाई है जिसको अपने होस्ट की रिक्वायरमेंट होती, ठीक है. होस्ट के बगैर ये ग्रो नहीं कर सकते. आमतौर पे हम जानते हैं कि हम फंजाई को या और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. उनका उनका एक कल्चर, एक मीडियम उनको देके और उनका एक कल्चर प्रोड्यूस करते हैं हम मोस्टली पेट्री डिशेज वगैरह में. लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट वो फंजाई है जिनको हम आर्टिफिशियली ग्रो नहीं करा सकते, ठीक है. उनके लिए उनको एक जो लिविंग होस्ट उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना ज़रूरी है. अब फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है. उसमें क्या होता है कि अपने होस्ट के ऊपर तो ये ग्रो करते हैं, बट इनको अगर हम आर्टिफिशियली ग्रो कराएं तो भी ये ग्रो कर सकते हैं, दे ग्रो ऑन लिविंग होस्ट एंड दे कैन ग्रो आर्टिफिशियली, ठीक है.
तो ये हम देख लिया फैकल्टेटिव पैरासाइट को. ऑब्लिगेट पैरासाइट की एक एग्जांपल भी है हमारे पास, जो कि है रस्ट्स या मिल्ड्यू एक्सेट्रा. ठीक है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की एग्जांपल है. तो ये हमने देख लिया फंजाई एज पैरासाइट. इसके बाद हम देख लेते हैं फंजाई एज प्रीडेटर. अच्छा, प्रीडेटर क्या चीज़ होती है? प्रीडेटर और पैरासाइट में क्या डिफरेंस होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट के ऊपर रहता है और उसके अंदर से अपनी फूड गेट करते रहता है और होस्ट को भी किसी न किसी हद तक नुकसान पहुंचा रहा होता है. ठीक है, प्रीडेटर जो है वो इसकी भी आप समझ लें कि और बुरी फॉर्म है, जिसमें ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ हम फंजाई की बात करें हैं, फंजाई जो है वो अपने होस्ट के ऊपर एक्ट करेगा और उसको प्रॉपरली किल कर देगा. ठीक है, अपनी फूड तो गेट करेगा बट उस ऑर्गेनिज्म का कबाड़ा हो जाएगा, वो बचेगा नहीं फिर. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास दो रिलेशनशिप होते हैं जिनमें हम कहते हैं, एक तो हमारे पास पैरासाइट जब होता है तो हम इसे कहते हैं पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप. ठीक है, पैरासाइट का जो रिलेशनशिप अपने होस्ट के साथ. जब हम प्रीडेटर की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं, ये है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप. प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप. ठीक है, प्रीडेटर प्रे में क्या होता है? लेट्स सपोज अगर हम इसकी एग्जांपल वैसे देखें तो जैसे एक मकड़ा और मक्खी है. ठीक है, मकड़ा क्या है, वो मक्खी को खाएगा, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देगा. तो उस केस में हम उसे कहते हैं प्रीडेटर प्रे. या जैसे शेर है वो बाकी जानवरों का शिकार करता है, तो वो क्या है, वो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है. अब फंजाई भी प्रीडेटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं. कुछ फंजाई की टाइप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑयस्टर मशरूम है. ऑयस्टर मशरूम, इसको कार्निवोरस फंगस भी कहा जाता है. कार्निवोरस फंगस. और क्यों कहा जाता है कार्निवोरस फंगस? वो इसलिए क्योंकि ये निमाटोड जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स का एक ग्रुप है, निमाटोड्स, इसको आप डिटेल में भी पढ़ेंगे, निमाटोडा या निमाटोड्स हम इनको कहते हैं. मोस्टली इसके अंदर वॉर्म्स आ जाते हैं हमारे पास. ठीक है, तो इन ग्रुप्स के ऊपर यह कार्निवोरस फंगस जो है वो एक्ट करता है. और करता क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो वो उसकी बॉडी को पैरालाइज करेगा. ठीक है, इट पैरालाइजेस द नेमेटोड. और पैरालाइज करने के बाद क्या करेगा कि उनके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगा. और पेनिट्रेट करने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब इट्स न्यूट्रिएंट्स. अच्छा, ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करा, इससे इसकी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो फुलफिल हो जाएगी. इसके अलावा अपनी बाकी रिक्वायरमेंट जैसे कि ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए ये फंजाई क्या करेंगे कि वो वुड के ऊपर एक्ट करेंगे. ठीक है, वुड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और फिर उसके अंदर से जो अपनी गज़ा है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ग्लूकोज होगी, वो उसको गेट कर लेंगे. तो ये हमने देख लिया ऑयस्टर मशरूम को. इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी हैं, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है आर्थ्रोपोडाइट्स. ये एक और एग्जांपल है, एक हमने ऑयस्टर मशरूम को देखा है, एक हम आर्थ्रोपोडाइट्स को देख रहे हैं. आर्थ्रोपोडाइट्स क्या करते हैं, ये भी नीमाटोड के ऊपर एक्ट करते हैं. ये करते क्या हैं कि ये ट्रैप कर देते हैं नीमाटोड को. लेट्स सपोज नीमाटोड, जहाँ मैं नाम ले रही हूँ इसको आप समझ लें कि वो एक वॉर्म है. ठीक है, राउंड वॉर्म ले लें नीमाटोड्स. तो ये क्या करेंगे कि ये ट्रैप करते हैं नेमाटोड को और फिर इसके ऊपर एक रिंग बना देते हैं. ठीक है, दे मेक अ कंस्ट्रिक्टिंग रिंग, हम इसको कहते हैं, एक रिंग बना देते हैं. और उस रिंग बनाने के बाद क्या करते हैं कि अपना जो हाइफे है इनका, वो उसको इन्वेड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर और फिर उसको दे विल इन्वेड एंड देन दे विल डाइजेस्ट, उसको फिर डाइजेस्ट करेंगे उसकी बॉडी को. तो ये इनका अटैकिंग का तरीका है. ठीक है, यानी कि किस तरह से नेमाटोड, या नेमाटोड की जो हमने बात की, हमने कहा इसको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम राउंड वॉर्म भी लिख सकते हैं. मेरे पास एक इमेज है जिससे मैं आपको ये दिखा सकती हूँ. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक राउंड वॉर्म दिखाया गया है. ठीक है, ये वाला जो है ये पूरा राउंड वॉर्म है और इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिंग रिंग, ये वाला जो रिंग है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये फंजाई का स्ट्रक्चर है.
और इसने क्या किया है कि इसके ऊपर एक रिंग बना लिया, ठीक है, अब रिंग बना लिया और इनको इस तरह से ये टाइट करता जाएगा और इसके अंदर से जो भी इसकी फूड रिक्वायरमेंट है वो गेट करता जाएगा। तो ये है फंजाई एज प्रीडेटर। इसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करें फंजाई एज पैरासाइट से, तो पैरासिटिक फंजाई क्या करता है उसकी मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास एक पैरासिटिक फंजाई है और ये क्या है, एक ट्री के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन से स्ट्रक्चर भी है और ये जो ब्लैक ब्लैक गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं ये सब मिला के क्या बना रहे हैं, ये फंजाई है और ट्री के एक ट्रंक के ऊपर ये दोनों एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक पैरासिटिक रिलेशनशिप है। पैरासिटिक इस तरह से है कि इसके अंदर से अपनी फूड गेट कर रहा है और ट्री को भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुँच रहा है, बट ओवरऑल ट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी डेथ नहीं हुई और फंजाई जो है वो उसके ऊपर इसने अपने आप को अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है पैरासिटिक फंजाई की। तो ये हमने देख लिए दो तरीके, एक हमने देख लिया फंजाई को एज प्रीडेटर और हमने फंजाई को एज पैरासाइट भी देख लिया। तीसरा हमारे पास रह गया है जो कि है फंजाई एज म्यूचुअलिस्ट, ठीक है। म्यूचुअलिज्म जो है वो एक रिलेशनशिप होता है, इसको पहले हम मेंशन कर देते हैं, फंजाई एज म्यूचुअलिस्ट। अच्छा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप को देखा हमने और पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप को देखा, इसी तरह हमारे पास एक और तरह का रिलेशनशिप होता है जिसे हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो म्यूचुअलिस्ट क्या है, म्यूचुअलिज्म जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की ही एक टाइप है। और म्यूचुअलिज्म में होता क्या है, म्यूचुअलिज्म में ऐसा होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह एक किस्म का फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, ठीक है। फंजाई की जब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअलिज्म की, तो हम कहते हैं कि फंजाई के अंदर म्यूचुअलिज्म दो तरह से पाया जाता है, या दो इसकी मेन एग्जाम्पल्स हैं, एक कहलाता है लाइकन्स और एक कहलाता है माइकोराइजा। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं, वन बाय वन हम इनको भी देखते जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइकन्स को। लाइकन जो है ये वो रिलेशनशिप है जो कि फंजाई और एलजी के दरमियान पाया जाता है, फंजाई एंड एलजी, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान पाया जाए, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है दोनों ऑर्गेनिजम्स को, हम जानते हैं कि एलजी जो है वो फोटोसिंथेटिक होती है यानी ऑटोट्रॉफ होती है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती है। तो एलजी क्या करती है कि वो फंजाई को फूड देती है और ऑक्सीजन देती है, ठीक है। और फंजाई क्या करते हैं, फंजाई ऐसे करता है कि वो एलजी के ऊपर, अब फंजाई का जो हाइफा है वो एलजी के ऊपर ग्रो करने शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि एलजी जो है वो फंजाई के अंदर ग्रो कर रही होती है और फंजाई एक तो एलजी को प्रोटेक्शन दे रहा होता है और प्रोटेक्शन के साथ साथ वो उसको रहने के लिए एक स्पेस दे रहा है, ठीक है। इसे भी हम मेंशन कर देते हैं कि फंजाई जो है एक तो प्रोटेक्ट करे एलजी को, और प्रोटेक्ट किसके अगेंस्ट करे, इट इज़ प्रोटेक्टिंग इट अगेंस्ट एल्गल पार्टनर फ्रॉम किस चीज़ से, लाइट से, बहुत ज़्यादा ब्राइट एक्सट्रीम लाइट आ जाए उससे, या फिर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसे हम कहते हैं डेसिकेशन, यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस हो जाए, खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह के सिचुएशन से फंजाई जो है वो बचाता है एलजी को। और एलजी क्या करती है इन रिटर्न, एलजी का हमने कहा कि इट प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और जब हम यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की बात करें उसमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को भी हम जानते हैं फोटोसिंथेटिक होता है, तो साइनोबैक्टीरिया भी इसको फूड या ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये एक किस्म का फ्रेंडली सा रिलेशनशिप होता है, दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं। इनका हैबिटेट क्या, ये कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली ये बेयर रॉक्स के ऊपर हैबिटेट जो है लाइकन्स का वो क्या है, बेयर रॉक्स के ऊपर। अच्छा, और इनको फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये दोनों इकट्ठे रहते हैं और एक फ्रेंडली एसोसिएशन इनके दरमियान डेवलप हो चुकी होती है, तो ये उन जगहों पे भी पाए जाते हैं जहाँ पे इनका अकेले रहना पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर एलजी अकेले उस जगह पे रहे तो वो एग्जिस्ट ना कर सके या सर्वाइव ना कर सके। इसी तरह फंजाई भी ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे सर्वाइव ना कर सके, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे रहते हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं तो ये ऐसे एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं जहाँ पे ये अकेले सर्वाइव ना कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इनकी अपीयरेंस की बात करें कि ये दिखने में कैसे हैं, तो अपीयरेंस में लाइकन्स जो हैं ये काफ़ी वेरी करते हैं, इनके कलर भी वेरी करते हैं और इनकी शेप वगैरह भी काफ़ी डिफरेंट होती है, ग्रोथ फॉर्म्स भी डिफरेंट
हो सकती हैं, ठीक है। और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है लाइकन्स की, एक तो ये कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, दूसरा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या अर्थ पे हमें इसका क्या फ़ायदा है, हमें इसका ये फ़ायदा है कि हम लाइकन्स को यूज़ कर सकते हैं एज बायो इंडिकेटर्स। किस चीज़ के बायो इंडिकेटर्स? बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। जहाँ पे भी पोल्यूशन होगी लाइकन्स की मदद से हम ये पता चला सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया लाइकन्स को। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड एसोसिएशन जो कि थी माइकोरिजा। माइकोरिजा भी लाइकन्स की तरह एक फ्रेंडली एसोसिएशन है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बिटवीन फंजाई एंड वेस्कुलर प्लांट्स, फंजाई एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, उनकी रूट्स के अंदर माइकोरिजा जो है वो पाए जा उनके रूट्स के अंदर जो है फंजाई पाए जाते हैं, और वो ये दोनों इकट्ठे मिलके रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। अर्थ की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं नियरली 95% ऑफ प्लांट्स आर हैविंग दिस एसोसिएशन। ये 95% प्लांट्स के अंदर ये एसोसिएशन जो है वो पाई जाती है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या पहुंच रहा होता है? फ़ायदा ये पहुंच रहा होता है कि फंजाई जो है वो प्लांट की जो सरफेस एरिया है वो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। वो किस तरह से? एक इमेज है मेरे पास, अगर आप इसको देख लें जी, तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल प्लांट दिखाया गया है। यहाँ लेफ्ट साइड पर एक नॉर्मल प्लांट है, और राइट साइड पे जो आपको प्लांट दिखाया गया है, यहाँ पे फंजाई की एसोसिएशन है प्लांट के साथ। अच्छा, अब डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इसका जो रूट का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी एक्सटेंसिव सा स्ट्रक्चर है। रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर तरफ। और इससे हो क्या रहा है? इससे फिर वही बात जो हमने कही कि माइकोरिजा की वजह से सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो किस तरह से? कि फंजाई जो है वो ग्रो करने लग जाती है अलॉन्ग विद रूट्स, ठीक है, और वो हेल्प करती है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट। तो इससे हमने देख लिया कि फंजाई क्या कर रही है, फंजाई इज इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस और किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन पानी की भी हो सकती है, इसके अलावा कुछ और मिनरल्स, यानी कि फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कुछ और मिनरल्स जो कि ज़मीन के अंदर से पौधे को चाहिए होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों की एब्जॉर्प्शन के लिए ये हेल्प करते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिन प्लांट्स के अंदर माइकोरिजल एसोसिएशन हो, उन प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी और बेहतर हो जाती है। और बेहतर होने की वजह भी ऑब्वियसली यही है कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मिनरल्स ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्ब हो सकेंगे, वाटर अच्छे एब्जॉर्ब हो रहा होगा, तो फिर ये होगा कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि फंजाई प्लांट को क्या फ़ायदा दे रहे हैं। अब प्लांट फंजाई को क्या फ़ायदा दे रही है? प्लांट जो है, प्लांट की मदद से फंजाई जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन गेट करता है, ठीक है, यानी कि फंजाई की जो फूड है वो अपनी फूड जो है वो प्लांट से गेट कर लेता है, और उसके अलावा फंजाई को एक प्रोटेक्शन मिल रही होती है बिकॉज वो प्लांट के साथ रह रहे हैं। ये हमने मेंशन कर दिया कि फंजाई गेट्स कार्बन एंड एज फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्लांट। फूड भी मिल रही है उसको और प्रोटेक्शन भी मिल रही है प्लांट से। अच्छा, जहाँ माइकोरिजा की बात करें, माइकोरिजा की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक कहलाती है एक्टोमाइकोरिजा और एक कहलाती है एंडोमाइकोरिजा। इस इमेज के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको दोनों तरह की जो एसोसिएशन दिखाई गई हैं, यहाँ पे ये है एंडोमाइकोरिजा और ये जो है वो एक्टोमाइकोरिजा है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। एक हमने कहा कि है एंडोमाइकोरिजा। अच्छा, एंडोमाइकोरिजा में क्या होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई गई है, इसमें ये होता है कि हाइफी जो है वो रूट सेल के अंदर तक पेनिट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। हाइफी पेनिट्रेट आउटर सेल ऑफ प्लांट रूट, और इसमें होता ये है कि ये रूट के गेट जो है वो कुछ स्वेलिंग से बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कुछ स्वेलिंग से या कुछ बर्ड टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अगर आप इसको ये सुपर वाली पिक्चर में देखें, यहाँ पे आपको कुछ गोल 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 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली एंडोमाइकोरिजा की एग्जाम्पल है। और इसके अलावा इसमें ये होता है कि जो रूट्स हैं, रूट्स के साथ साथ फंजाई एक्सटेंड करती जाती है सॉइल के अंदर बाहर की साइड पे, ठीक है, यानी कि सॉइल फंजाई विल एक्सटेंड आउट इन सराउंडिंग सॉइल, सॉइल के बाहर की तरफ एक्सटेंड करती जाएंगी। जैसे कि ऊपर की एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो बाहर की तरफ इधर उधर आगे पीछे फैला हुआ स्ट्रक्चर है, ये क्या है? बेसिकली एंडोमाइकोरिजा है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी फॉर्म जो हमने देखी वो क्या है? एक्टोमाइकोरिजा की, एक्टोमाइकोरिजा। और एक्टोमाइकोरिजा क्या है? एक्टोमाइकोरिजा में ऐसे होता है कि जो हाइफा है वो सेल के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल के अंदर नहीं, बल्कि सेल के साइड साइड से यूं करके अंदर इस साइड पे पेनिट्रेट हुआ हुआ है, और
ये करता क्या है, ये इस तरह से करता है कि इसको सराउंड कर देता है सेल को, तो सेल की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो पूरी हो जाती है सेल अपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो भी इसकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट हाइफ़ी जो है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट या सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। मोस्टली जो एक्टोमाइकोर्जा है ये पाइन्स के ऊपर पाए जाते हैं या फर्स के ऊपर, ठीक है, इस तरह के दरख्तों के ऊपर ये पाए जाते हैं। और दोनों केसेस में, एंटोमाइकोर्जा में भी और एक्टोमाइकोर्जा दोनों में ऐसे होता है कि माइसीलियम जो है वो सॉइल के अंदर काफ़ी दूर तक फैला हुआ होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी तक काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये हमने देख लिया माइकोर्जा के एग्जाम्पल को। यहीं पे अपने लेक्चर को एंड कर देते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाए, और हमने कहा कि फंजाए के अंदर एक तो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स इन फंजाए एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और जो एब्जॉर्प्टिव है उसी की एक थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म है जिसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें फंजाए डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स हमने पढ़ी, हमने कहा कि फंजाए एज पैरासाइट्स भी अपनी फूड लेते हैं, इसके अलावा फंजाए एज प्रीडेटर्स भी होते हैं, और फंजाए के अंदर कुछ फ्रेंडली रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म वो भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।